लोग मुंबई के क्षेत्र में थाने डिस्ट्रिक्ट में डोम इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे। उसकी तकलीफ होती सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज आपकी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं जोगेश्वरीपुर हरिनगर में, जहां से आज हम लोगों से राय जानेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे जिस तरह से आतंकवाद को लेकर लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जवाब कार्रवाई भी की जा रही है, जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन एक आम पब्लिक, आम जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या सवाल है, वो आखिर किस तरह से देखते हैं इस आतंकवाद को, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर किया जा रहा है, हमारे सैनिक जवाब दे रहे हैं। हाल ही में अगर बात की जाए तो उरी में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई भारत द्वारा, और फिर उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में भी काफ़ी बयान उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आम पब्लिक क्या चाहती है, उनके मन में क्या विचार है, इस पर हम आज लोगों की राय लेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम शेख जहीरुद्दीन है। शेख साहब, जिस तरीके से आज देश आतंकवादी गतिविधियों से जूझ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतंकवाद का हमारे हिसाब से तो कोई मज़हब नहीं होता, और सबसे पहले इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और जो पाकिस्तान का अभियान है, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था जिसमें पाकिस्तानी पठान बोलते हैं कि अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान उनका साथ देंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान को ये सिखाया जाता है कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हो वो ज़मीन की आपको सबसे पहले वफादारी करनी है, ये इस्लाम सिखाता है। और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को गलत तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। बिल्कुल, इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आतंकवाद को सपोर्ट किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस देश में रहते हो सबसे पहले उस देश के बारे में सोचना चाहिए। हम अपने कैमरामैन प्रकाश साचला से चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और अपनी राय रखने के लिए हमारे इस शो के साथ जुड़े हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़ी तादाद में, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, हर कोई आज अपनी आवाज़ को उठाना चाहता है। और भारत देश ऐसा है कि जहाँ पर बोलने की सबको आज़ादी है, सब बोल सकते हैं, क्या उनकी क्या राय है, वो क्या सुनाना चाहते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है। मोहम्मद जी, जिस तरीके से आज देश में आतंकवाद है और जिस तरह से राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चरम पर है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? हमारी राय से है कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान जो कर रहा हो बिल्कुल गलत है। ये आतंकवाद कोई मजहब नहीं है, ये खाली खुराफात है, और पाकिस्तान जो गलत फहमी में पड़ा है, यहाँ लफड़ा फैला रहा है, सब बचीर बंद करे और आवाम को सुकून से रहने दे, और नहीं तो उसका मुँह तोड़ जवाब यहाँ की आवाम खुद ही देगी। बिल्कुल, आवाम खुद ही देगी, लोग जागरूक हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान सबक नहीं लेता है तो शायद जिस तरीके से अब जनता जाग चुकी है, जनता का साफ तौर से कहना है कि पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, क्योंकि आवाम ये नहीं चाहती है कि इस तरह से आतंकवाद को पनाह दिया जाए, क्योंकि इस जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि इस्लाम में कहीं नहीं है ऐसा कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करें। क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से आज अमन और शांति की अगर हम बात करते हैं, आतंकवाद लगातार देश में बढ़ रहा है, सेना पर हमारे जवान अलर्ट पे हैं और लगातार सीज फायर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यहाँ देशा जलम ले रहते हैं, यहाँ देशा सरकार वागल हम यहाँ सही को तरा देना कहे नहीं, भूमि हम चीतली है, पाकिस्तान की भूमि नहीं हम ची, हाँ नान चे मोटे झाले, मोटे तीन पिढी झाली आमची, आम्ही कोणा संग नाही, आम्ही हिजडी आता आई वडील सोडून नांदेड जिल्ह्याहून इथं आलेले लहानपणामध्ये, पण परमेश्वरानं इथं जन्मले, इथलेच गावावर आहे आम्ही, दुसऱ्या गावांना नाही आम्हाला, त्याची काय जरूरत आम्हाला पाकिस्तानची, जरूरत नाही, काय कामाचं नाही ते, हां जन्म झाला इथंच, आनंद झाला इथं, देवधर्म इथं, सगळं आनंद इथंच, काय करायचं ते, आहे की नाही, लोक किती वातावरण करू द्या, पण इथला जन्म आहे देवानं दिलं, या भूमीला या भूमीमध्ये मरणार आहे आम्ही, दुसरी बघून मिळेल तर बघणार नाही।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें इस देश में जन्म हुआ है, इस देश में कर्म कर रहे हैं, इसी देश में मरने की बात भी इन्होंने एक बड़ी बात कही कि हम पहले उस देश के लिए हैं जहां पर हमारा जन्म हुआ है, जहां पर हम कर्म करते हैं उस देश के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को जन्मने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, युवा हो, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी खबरें भी देखी होंगी, जब से आतंकवाद बढ़ा है, उरी में हमले हुए हैं, उसके बाद हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं, क्योंकि मजहब या गोली की अगर हम बात करें तो कोई धर्म कानून या नहीं देखती, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम में कहीं, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि झगड़ा करो या लफड़ा करो। हमने भी कुरान शरीफ पढ़ा है और मैं जानता हूँ जहाँ तक कि जो कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है शायद उन लोगों ने भी वही कुरान शरीफ पढ़ा होगा, कोई दूसरा नया उन्होंने नहीं बनाया होगा। इसलिए मैं भी ये जानता हूँ कि वो लोग जो कर रहे हैं वो 100% गलत है। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आए बैठे हमसे बात करें, हम हमारे मौलाना को आगे करेंगे, वो हमसे एक बार आके हमारे कुरान शरीफ को सीखे एक बार वापस से, शायद उनके समझ में आ जाएगा कि इस्लाम क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में कैसे होता है, हर चीज़ वो सीख जाएंगे। अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं वो शायद उन्होंने कोई नई किताब अपनी छापी होगी इसलिए वो गलत राह पर चल पड़े हैं। अगर उनको गलत राह पर चल पड़े हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने कुछ गलत कहा होगा। तो प्लीज़ आप कुरान शरीफ ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और एक बार सही तरीके से पढ़ें ताकि उनको पता चले कि इस्लाम क्या है। बिल्कुल, इस्लाम क्या है। एक चीज़ और, आप जिस तरीके से पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की तरफ से ये भी बयान आया कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो उनका साथ देंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहीं तरीके से हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर ले वो, हम उसका साथ नहीं देंगे। हम देंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान का साथ देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान का ही साथ देंगे। हम पहले अपनी जन्मभूमि को देखेंगे, हमारी कर्म भूमि यही है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरने वाले हैं और हम सबसे पहले यहीं देखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप कुछ बोल रहे थे? देखिए, इस्लाम जो है ये सिखाता है कि एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी के हिसाब से उसको अच्छे अखलाक बनाने चाहिए, जो ये काम पाकिस्तान नहीं कर रहा। हालांकि वहाँ के उलमा काफ़ी अच्छे हैं, तजुर्बेकार हैं, मगर ये चीज़ उनके अंदर आगे आकर के उन वहाँ के उलमाओं को, अपनी कौम को, अपनी मिलिट्री उसको ये समझाना चाहिए कि देखिए ये इस्लाम हमारा ऐसा है, अगर हम एक इस्लामी ममालिक में हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक पड़ोसी के लिए अच्छे अखलाक बनाएं, ना कि हम किसी को टेररिस्ट बना करके दूसरे के घर में घुसाएं या फिर उनको जबरन उनके ऊपर हमला कराएं। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ये दर्ज देता है कि हमें पड़ोसी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा अखलाक बनाना चाहिए। तो ये चीज़ों को वहाँ के उलमाओं को आगे आ करके लोगों को समझाना चाहिए, मिलिट्री को बताना चाहिए। और रहा सवाल हमारे हिंदुस्तान का, तो हम हिंदुस्तान के लिए जिए हैं, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। हम जो हैं कभी गैर ममालिक के जो हैं, जो टेररिस्ट आतंकवादी जो गतिविधि कर रहे हैं उनका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, सिर्फ पाकिस्तान ही करके नहीं, इसराइल है, फ़लस्तीन है, फ़लस्तीनों का जो आज जो जुल्म हो रहा है उनके साथ, तो उसके भी खिलाफ़ हम फ़लस्तीनियों के भी जो भाई चाहे हमारे इसराइली से कहेंगे कि भाई आप बैठ करके इतने सालों से उसका मुद्दा चल रहा है उसको भी हल कराएं। और देखिए, कोई भी चीज़ है बैठ करके उसको हल किया जा सकता है, ना कि झगड़े से, ना तो जंग से। बिल्कुल, ना कि झगड़े से, ना आतंकवाद से, लेकिन अगर बात की जाए तो इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है, पाकिस्तानियों को एक अच्छा संदेश दिया गया है भारत की तरफ से, भारतीय मुसलमान समाज की तरफ से, कि इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अगर आप आतंकवाद को पनाह देते हैं तो जरूरी है कि हर मुसलमान आतंकवाद को सपोर्ट करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा निकाला गया, पाकिस्तान के लोग भी जो है अमन चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से चाहे दोनों शरीफ की बात करें, चाहे नवाज़ शरीफ की बात करें या फिर राहिल शरीफ की बात करें, दोनों को ही पाकिस्तान की आवाम ने जवाब दे दिया है कि यहाँ पर हमें अमन चाहिए, ना कि आतंकवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर लोगों की राय जो है उस पर आज हम आपको लोगों की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आतंकवाद जारी है, लगातार दोनों देशों के बीच में जो है फायरिंग चल रही है, सीमा पर हमारे जवान अलर्ट हैं, पाकिस्तान बार बार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए पाकिस्तान के इसमें हम ये कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के ऊपर जो ये छुप छुप कर वार करना जो इसका चल रहा है, हम इसकी सरासर निंदा करते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम एक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते हम पाकिस्तान की पूरी तरह निंदा करते हैं कि ये काम ना करे। और हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये जो इन्होंने इनका जो जवाब दिया है कि उनको जो घुस के जो मारा गया है, तो इससे हम खुश हैं। और हम ये चाहते हैं कि बस पाकिस्तान हिंदुस्तान से दूर रहे, उसी में उसकी भलाई है। क्योंकि भारतीय सेना एक बार अगर उन्होंने ठान लिया कि नहीं पाकिस्तान को उठा फेंकना है, तो इसमें हम जरा भी देरी करेंगे। हमारी पब्लिक की यही राय है कि पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए हम पूरी ताकत से तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम हिंदुस्तान मुसलमानों की, तो हम मुसलमान भी नहीं पीछे हटेंगे, भले से वो पाकिस्तान हमारा मुसलमान देश क्यों ना हो। लेकिन हम अगर हमारे भारत पे आज भी आई, तो हम किसी भी कीमत पे उसे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए तो बॉलीवुड भी इससे अछूआ नहीं है। सलमान खान ने जिस तरह से ट्वीट किया, उसके बाद ओम पुरी ने ट्वीट किया, क्योंकि आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को लेकर? देखो बॉलीवुड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उनका तो कोई, मेरे मानने से ऐसा है, उनका कोई जात धर्म है नहीं। उनको जहाँ से पब्लिसिटी मिलेगी वो उनका साथ देंगे, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उनको कहती कि आप आगे बढ़कर आओ, तो ये उनको ये सब कामें नहीं करना चाहिए। वो एक हिंदुस्तान के स्टार है, तो उनको स्टार की तरह ही अपनी जो उनकी जो भूमिका है वही निभानी चाहिए, ना कि इस चीज़ में उनको आना चाहिए, मेरा कहना ऐसा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छी बात कही कि बॉलीवुड के सितारे उनको जहाँ पब्लिक सिटी मिलती है वो करें, लेकिन इस तरह के मुद्दों को लेकर वो पब्लिक स्टंट ना लें। आपसे जुड़ेंगे, जिस तरीके से अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो हमारे राजनीति में भी इस मुद्दे को काफ़ी गर्माहट देखी गई, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कलाकारों को मना किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कला का अपना एक अलग क्षेत्र है, और जो जहाँ तक सवाल है राजनीति का, राजनीति अच्छे कार्यों के लिए करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के हर हमले का जवाब मुंहतोड़ देना ज़रूरी है, राजनीति की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, जिसने भी जवाब दिया वो हिंदुस्तान के हक में ही जवाब देगा। हिंदुस्तान के खिलाफ जवाब देने वाला जो भी होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा और हिंदुस्तान की आवाम का भी दुश्मन होगा। हिंदुस्तान की आवाम का दुश्मन होगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ऐसे में देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादी कई ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो कई पार्टियों के नेताओं ने ये बयान दिया कि ये वोट बैंक की राजनीति है, और जिस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटियों ने भी बयानबाजी की, क्या लगता है कि देश की सेना के मुद्दे को लेकर इस तरह से बयानबाजी होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, सेना के किसी भी ऑपरेशन को, सबसे पहली बात जहाँ तक हम समझते हैं ना, कि सेना के किसी भी ऑपरेशन को पब्लिकली ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश हित के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। और जो लोग इस तरह से गलत तरीके से ट्वीट कर रहे हैं या कुछ अपने बयान दे रहे हैं, तो वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बहती गंगा में अपना हाथ धो के अपने लिए पब्लिसिटी जमा कर रहे हैं। तो ये गलत तरीके से जो पब्लिसिटी जमा कर रहे हैं उसका उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, यानी बात करें तो जिस तरीके से लोगों को पब्लिक सिटी चाहिए, ऐसे में सेना के जो मुद्दे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक है, इस तरह का सीक्रेट बाहर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि देश के हित के, देश की सुरक्षा के लिए सवाल खड़े होते हैं। सलामत, जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि किसी से बैर करना, पड़ोसी मुल्कों के लिए इस तरह से जो आज स्थिति बनी हुई है देश की, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के जो जिस तरह के जो सरकार चला रहे हैं उनको ही जवाब दे दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। पाकिस्तान के लोग भी जो है अमन चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से, चाहे दोनों शरीफ की बात करें, चाहे नवाज शरीफ की बात करें या फिर राहिल शरीफ की बात करें, दोनों को ही पाकिस्तान की आवाम ने जवाब दे दिया है कि यहाँ पर हमें अमन चाहिए, ना कि आतंकवाद। और साथ ही साथ जिस तरह से भारत ने ये सबूत दिए हैं कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने एक के बाद एक जो प्रूफ दिए हैं, उससे अब पाकिस्तान आवाम भी जाग चुकी है, हिंदुस्तान का साथ दे रही है,
कई ऐसे पाकिस्तान के अवाम है जो अब हिंदुस्तान का साथ देने के लिए आगे आ गई है और हिंदुस्तान में आना चाहती है, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से जो चाहती थी कि वो कश्मीर को हथिया ले, अब खुद पाकिस्तान के कश्मीरी ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में आ जाए, यानी कहीं ना कहीं वो भी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान अवाम जो हिंदुस्तानी अवाम है वो अमन चाहती है और इसी वजह से वो लोग भी अब यहाँ हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से पीओके यानी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ के लोगों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है, वहाँ के लोगों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। आपसे जानना चाहेंगे आतंकवाद को लेकर क्या राय है, जिस तरीके से आज आतंकवाद देश में फैल रहा है क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारे मुसलमान भाई ने जो बोल दिए ना वो एकदम सही कहा है और हम उनके साथ ही रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो गलत है वो गलत है, पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो जुल्म ही कर रहा है और हमको ऐसा लग रहा नहीं कि वो हमारा भाई है, क्योंकि जो गलत काम कर रहा है वो भाई हो ही नहीं सकता, बराबर है। तो हम हिंदुस्तान का ही साथ देंगे क्योंकि हिंदुस्तान में हम पैदा हुए, हिंदुस्तान में हम खाते पीते, तो हम हिंदुस्तान को ही बोलेंगे अपना, गैर को नहीं बोलेंगे अपना। और अगर कहने की बात यह आ रही है कि इस्लाम की बात कि वो पाकिस्तान मुसलमान है, तो इस्लाम नहीं सिखाता है कि गलत काम करो, क्योंकि हमारा इस्लाम भी फैला है तो कुर्बानी दे के फैला है, जाति करके नहीं फैला है, ना ज़बरदस्ती करके फैला है। हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि झुक के उठो, ज़बरदस्ती अगर हर काम सिर्फ नफरत से नहीं होता है, सब काम मोहब्बत से होता है। अगर पाकिस्तान मोहब्बत से ये काम करेगा तो हम लोग सर झुका के उसको बुला लेंगे अपने पास और बात करेंगे, लेकिन अगर वो नज़र उठा के बात करेगा तो उसकी गर्दन भी काट देंगे और गर्दन काटने से पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप सही सलामत और सम्मानपूर्वक आते हो तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आग उठा के आते हो तो हम आपके हर जवाब का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये हम सभी का यही कहना है कि जो अगर प्यार और मोहब्बत से अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर कुछ भी अपनी पना मांगने आ रहा है तो हम उसको पना देंगे, लेकिन अगर वो ज्यादती करने आ रहा है तो हम उसका सर काटने से पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुस्तान की मुसलमान की आवाज़ है और ये पूरे जनता की आवाज़ है। बिल्कुल, ये पूरे जनता की आवाज़ है। आज हर भारतीय ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, वो सीमा पर जाने को तैयार है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए मुसलमान समाज की, उन लोगों ने साफ तौर से कहा है कि हम किसी भी हद तक हिंदुस्तान के हित में चाहे जो भी कदम उठाने हो हम तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पैदा हुए, यहीं पर हमारी कर्मभूमि है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात की जाए आज लोगों की जो समस्याएं हैं, सीमा पर जवान तैनात हैं, शहीद हो चुके हैं, ऐसे में आतंकवाद पर लगातार जो है सीज फायर हो रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी आ रही, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अभिनव भाई ने जो कहा कि अगर वो लोग प्यार से आते हैं तो उनका वेलकम है और अगर कड़ी निगाह से आते हैं तो फिर वही होगा जो उन्होंने बताया, तो बिल्कुल सही चीज़ है वो। तो शांति से जो काम हो जाएगा वो दुश्मनी से नहीं होता है, टेंशन से नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान अभी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया बिल्कुल सही है, और जो मिलिट्री ने अभी ऑपरेशन किया वो बिल्कुल सही है, उसको भी ओपन नहीं करना चाहिए, उनका अपना हिसाब किताब रहता है, ओपन करने से जो है गलत उसका रीजन आता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये है कि पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है वो गलत है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे? सही बोल रहे हैं क्या, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, ये सब इंसानियत उनमें भी है, हमें भी है, हर कोई इंसान, चाहे पाकिस्तानी अवाम हो चाहे हिंदुस्तानी अवाम हो, हर किसी को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, तो उसको ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, और विरोध के लिए हिंदुस्तानी अवाम भी तैयार है। अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस अगर हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह का जुल्म करती है, ज्यादति करती है, तो हिंदुस्तानी आवाम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हिंदुस्तानी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हर हिंदुस्तानी मुंह तोड़ के लिए तैयार है, जवाब देगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार की हरकत करता है तो आज हर हिंदुस्तानी पूरी तरीके से देश की सेवा में लगा हुआ है, देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी समाज का हो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कि अगर आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र उठाओगे तो चीर देंगे। अगर एक एक भारतीय एक एक लोटा पानी भी बहाएगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा,
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है तो बहुत सोच समझ के विचार कर ले और उसके बाद ही कोई कदम उठाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जाग गया तो शायद पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज आपकी में। आवाज आपकी में आज हम जोगेश्वरीपुर हरिनगर में हैं, जहां से लोगों की आवाज है वो आतंकवाद के खिलाफ है, उनके मन में क्या कुछ है इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा गया है, अगर पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा है तो आके हमसे बैठें, हमारे इस्लाम को पढ़ें और उसके बारे में जानें, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है। आज ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार विरोध कर रहा है, लगातार सीज फायर कर रहा है, आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या आपके मन में है, क्या सवाल उठता है? उनको इज्जत की भाषा समझ में आती नहीं है, प्यार मोहब्बत की भाषा समझ में आती नहीं है, उनको तो बुला के बीच राह पे मारने का दिल करता है, और इसी बेदर्दी से मारने का दिल करता है ना, कि जो देखे वो जहाँ तक वो चीज़ फैले ना वहाँ तक आदमी डरे, क्या हिंदुस्तान से हम पंगा ना ले, इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो। बिल्कुल, हिंदुस्तान से पंगा ना ले, कुछ ऐसा ही कदम उठाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? जवाब देखो, अगर वो बातों से करेगा तो बातों से देंगे, हाथों से करेगा तो हाथों से देंगे, नज़रों से करेगा तो नज़रों से देंगे, और हथियार से करेगा तो हथियार से करेंगे। जैसा जैसा उसका सवाल रहेगा वैसे हमारा जवाब रहेगा। अगर वो अगर ये गलत फहमी में है कि हिंदुस्तान को डरा के हम हिंदुस्तान को कब्जे में कर लेंगे, तो हिंदुस्तान का एक 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 व्यक्ति करके अगर गिनेगा ना वो, तो कतरे के जैसा समंदर हो जाता है ना, उसी तरह हिंदुस्तान का व्यक्ति है, एक साथ अगर निकल जाएगी ना तो वो कहीं नज़र ही नहीं आएगा कि वो पता नहीं किधर है, पाकिस्तान कौन था, एक बांग्लादेश की तरह छोटा देश दिखेगा फिर वो, जिस तरह बांग्लादेश छोटा देश है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तक अगर मेरी बात पहुँचती है तो वो शांति हो जाए, क्योंकि कहीं लिखा नहीं हमारी किताब में कि गुनाह करो, किसी का मर्डर करो, किसी को तकलीफ दो, अगर तुम अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी मत करो, क्योंकि आज तक इस्लाम फैला है तो सिर्फ इबादत से और प्यार से, जद्दोजहद से नहीं, लड़ के नहीं, जहाँ लड़ने की बारी आई वहाँ पहले कटे हैं, उसके बाद में हमने इस्लाम बढ़ाया, इस्लाम को आगे बढ़ाया, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला को प्यारी है, तो पहले कुर्बानी देना पड़ता है, उसके बाद ही अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है, तो वो काम करो जिससे ऊपर वाला राज़ी हो, तो ताकत ऊपर वाले की तुम्हारे साथ हो, अगर तुम सोचोगे कि हम अपने बल पे लड़े तो ना जाए इस काम, फिर हिंदुस्तान से हारे तुम्हारी जीत कोई नहीं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार युद्ध के लिए बात कर रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे किसी भी युद्ध के लिए भी तैयार हैं, किसी भी अगर कोई भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई होती उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीबी है, वहाँ के लोग जो भुखमरी से मर रहे, आप जो हिंदुस्तान के ऊपर जो फायर कर रहे हो या वहाँ की हिंदुस्तान की सेना को जो तकलीफ़ दे रहे हो, वो पैसा अगर आप अच्छे काम में लगाओगे, वहाँ के गरीबों की अगर विकास में लगाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि हिंदुस्तान पे जो उनकी नज़र है, मैं समझता हूँ कि वो नज़र वो अपनी हटाकर अपने वहाँ के लोग रहने वाले, जो पाकिस्तानी लोग जो रहने वाले हैं उनकी तरफ देखे कि वहाँ की जो गरीबी हालत है, वहाँ पे जो लोग मर रहे, अभी मैंने लास्ट टाइम टीवी पे देखा कि वहाँ के लोग यहाँ के प्रधानमंत्री से भीख मांग रहे कि आप मोदी जी प्लीज़ ये लड़ाई मत कीजिए, यहाँ पे हमारी भुखमरी की हालत है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो सिर्फ गरीबों का होगा, सिपाही तो मरेंगे ही, इनके भी जाएंगे, हिंदुस्तान के भी जाएंगे, लेकिन सबसे बुरी हालत होगी वहाँ के अवाम की होगी, हिंदुस्तान के आवाम में, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट जितना जो दिया है कि दो रोटी कमा के खा सकते हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान की ये हालत आज की तारीख में कि आप देख लो वहाँ के रहने वाले लोग किस हालत से रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, और वहाँ की दुर्दशा एकदम ही गिरी से गिरी हालत में है, लेकिन फिर भी इनको इतना कुछ देखते हुए अगर ये सोचे हिंदुस्तान को हम पराजित कर देंगे तो ये इनकी गलतफहमी है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी नीति को सुधारे, ना कि हिंदुस्तान पे नज़र बनाए, हिंदुस्तान को एक निशाना बनाए, हिंदुस्तान को टारगेट बनाए, नहीं तो ये उनकी जो सोच है ये उल्टा उन पर भारी पड़ेगी, पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ये मेरी हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले अपने एरिए को, अपने आवाम को संभालो, अपने पाकिस्तान को संभालो, फिर हिंदुस्तान के ऊपर आप कुछ सोचो, क्योंकि हिंदुस्तान इतना गया गुजरा नहीं है
हिंदुस्तान आज की तारीख में बहुत ताकत है, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। आज हमारे पास इतने बड़े औजार हथियार है कि हम उनका रोक ठोक सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, पूरी तरीके से तैयार हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान को किस भाषा में समझाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को तो बहुत सहूलियत, बहुत फैसिलिटी दी गई, यहाँ से बहुत खामोशी अख्तियार किया गया है, आतंकवादियों का हमला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आ नहीं रहा है। अब उसको उसी की भाषा में आवाज़ देना चाहिए, अब उसको उसी की भाषा में ही समझाना पड़ेगा, वो शांति की भाषा नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, शांति की भाषा पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। और जिस तरीके से लोगों की राय है कि अब पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए कि भारत अब किसी भी प्रकार का कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, आपको क्या लगता है किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, या और कोई देश हो जो हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र रखता हो, उन सबको आपके चैनल के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र उठाओगे तो चीर देंगे। बिल्कुल, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हिंदुस्तान की तरफ अगर बुरी नज़र करोगे तो चीर देंगे, ऐसा सवाल है इन लोगों का और ऐसा कहना है। सलामत जी, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की बात माने, तो इस्लाम की बात की इन लोगों ने, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी काफ़ी अच्छी बातें की, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? प्रदीप जी, आखिर में मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मुसलमानों की आवाज़ को यहाँ पर आके सुने, और हर मुसलमान ने मेरे ख्याल से उन्होंने समझा दिया है कि इस्लाम क्या होता है और पाकिस्तान को उसके अंदाज़ में किस तरह से जवाब दिया जाएगा ये भी बता दिया गया है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर एक एक भारतीय एक एक लोटा पानी भी बहाएगा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है तो बहुत सोच समझ के विचार कर ले और उसके बाद ही कोई कदम उठाए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जाग गया तो शायद पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि आज हर भारतीय, हर नागरिक जाग चुका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी कौम का हो, क्योंकि आज सबसे पहले देश है तब हम हैं। लेकिन ऐसी जो बात है यहाँ पर, एक बार आपसे और जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छी बात कही, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या वजह है कि पाकिस्तान इस ऐसे ही बार बार सीज फायर करता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बुजुर्गों ने कहा है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो शायद पाकिस्तान का अंत होने वाला, इसलिए वो हमारे तक आ रहे हैं। उसको गलत फहमी में है, क्योंकि हम चुप इसलिए है कि हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना अच्छा है कि वो हमें माफ़ कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को यही आदत लगी है कि सब्र करो सब्र करो, लेकिन वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो मुसलमान है और वो किसी को मार रहे, तो मैं बोलता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि हमारी किताब में लिखा ही नहीं है कि किसी को मारो, किसी को जीवित करो ये लिखा है, किसी को ज़िंदा करो ये लिखा है, किसी का ज़ख्म पे मलहम लगाओ ये लिखा है, लेकिन किसी को ज़ख्म दो हमारी किताब में नहीं लिखा है, तो हम कैसे उसको माने कि वो हमारा भाई है, ये वो हमारा अपना है, हम उसको गैरी मानेंगे? क्योंकि आपने गलती करी तो हम माफ़ करेंगे, लेकिन वो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा हिसाब किताब उसके हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में। तो पाकिस्तान जो गलत कर रहा है तो वो अगर हमारे से बच जा रहा है, लेकिन उसकी ऊपर वाले की लाठी से नहीं बचेगा, उसको उसकी लाठी जब पड़ेगी तो उसके समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना गलत किया हो। लेकिन ठोकर खाने से पहले पाकिस्तान संवर जाए और अपने आप को काबू में रखे, आपे से बाहर ना जाए। बिल्कुल, सब्र का इम्तहान ना ले पाकिस्तान, इस तरह से भी लोगों का कहना है, क्योंकि जब तक हम सब्र रख रहे हैं तब तक, लेकिन जिस दिन हम जाग गए उस दिन शायद पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, ऐसा भी लोगों का कहना है। आपसे, आपने दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी पॉइंट्स रखे कि एक तो पाकिस्तान में गरीबी को लेकर सरकार को वहाँ पर ध्यान देने चाहिए, न कि इस तरह से युद्ध और सीज फायर करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उन जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे भारतीय जवान एक इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुसलमानों को गर्व है, उनके ऊपर मुसलमानों पे गर्व है, हमें उन्होंने जो कुर्बानी दी है, और हम हमेशा उनको याद रखेंगे
बिल्कुल, हमारे जवान सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि वो सीमा पर तैनात रहते हैं तो शायद हम खुशहाल और चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन वही जवान अगर उन पर कोई आग दिखाता है तो कतई आवाम जो है बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय की बात की जाए, चाहे जो भी हो। सेना लगातार जिस तरीके से सीमा पर तैनात है, अलर्ट जारी है, लगातार सीज फायर हो रहे हैं, ऐसे में अब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आज हर भारतीय जाग चुका है, और जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कहा, जिस तरीके से यहाँ के मुसलमान समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के मुसलमानों को संदेश दिया, एक काफ़ी सराहनीय है कि चाहे जो भी कौम हो, चाहे जिस देश का हो, लेकिन सबसे पहले उस देश के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश के लिए काम करे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।